नमस्कार, क्रिकेट में इस रुचि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड कप 2019 में मेरी निराशा के बाद हमारी भारतीय टीम पहली बार इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सीरीज़ में इंडियन फैंस के सामने खेलने वाली है, जहां इस सीरीज़ में सबसे पहले इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैच खेलने वाली है, जिसका आगाज 15 सितंबर को होने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही टीमों की ऑफिशियल T20 स्क्वाड के बताने वाला हूँ, जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। और लास्ट में मैं दोनों टीमों को कंपेयर करके आपको यही बता दूंगा कि कौन सी टीम इस सीरीज़ को जीत सकती है। ले उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो 130 लाइक्स का एम है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की टीम की। तो साउथ अफ्रीका ने अपना जो स्क्वाड है वो लगभग एक महीने पहले ही अनाउंस कर दिया था। अगर उनके बैट्समैन की ओर नज़र डालें तो वहाँ पे नाम आते क्विंटन डिकॉक, वैन डर ड्यूसन, रेजा हेंड्रिक्स, टेम्बा बहुमा, डेविड मिलर और हेनरिच क्लासेन का। अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो वहाँ पे नाम आते बजॉर्न फॉन्टियन का, ड्वेन पॉर्ट्रियस का और जे जे स्टम्स का। अगर बॉलिंग की लाइनअप की बात करें तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका ने रखा है जूनियर डाला को, ब्यूडन हेंड्रिक्स, एंड्रिच नॉर्जी, एंडाइल फुलेकियाओ, कगिसो रबाडा और तबरेज शमसी। तो ये जो साउथ अफ्रीका की स्क्वाड है, इससे चार बहुत ही बड़ी बातें निकल के आई है। तो सबसे पहली बात निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि साउथ अफ्रीका ने एक यंग टीम बनाई है, जहाँ पे आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं कि बहुत सारे नए नए नाम टीमें जुड़े हैं। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि वो वर्ल्ड कप 2020 में अब फोकस कर रही है और वो चाहती है कि एक यंग टीम बने जो वर्ल्ड कप 2019 में जो उनकी परेशानी थी उसको दूर कर दे। तो दूसरी बड़ी बात इस स्क्वाड से निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि इन्होंने डुप्लेसिस जो कि इनके कप्तान थे उनको टीम से ही ड्रॉप कर दिया है। जो तीसरी बात निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है क्विंटन डिकॉक को इन्होंने अपना नया कप्तान बना दिया है। और जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से ये वर्ल्ड कप 2020 में भी इनको कप्तानी करते हुए नज़र आएंगे। जो फोर्थ और जो आखिरी बात निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि पहले हेनरिच क्लासेन स्क्वाड में मौजूद नहीं थे, लेकिन इनके जो विकेट कीपर थे वो इंजर्ड हो गए और इसी की वजह से हेनरिच क्लासेन को एज अ विकेट कीपिंग ऑक्शन टीम में लाया गया है। अब हम लोग बात करने वाले इंडिया की स्क्वाड की। तो अब इंडिया मेनली T20 में फोकस करने वाली है, कोई नवंबर 2020 में T20 वर्ल्ड कप होने वाले है और टीम इंडिया के लिए ये वर्ल्ड कप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर बैट्समैन की बात करें तो वहाँ पे नाम है विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत का। अगर ऑलराउंडर्स की बात करें तो वहाँ पे नाम है कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर का। अगर बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो वहाँ पे नाम है राहुल चहर, दीपक चहर, खलील अहमद और नवदीप सैनी का। और टीम इंडिया की जो ये जो लाइनअप अनाउंस हुई है उससे भी चार बहुत ही बड़ी बातें निकल के आई है। जो सबसे पहली बात निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि जसप्रीत बुमराह को इन्होंने फिर से रेस्ट दे दिया है और ये कहीं ना कहीं सिलेक्टर की बहुत ही बड़ी गलती है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को बार बार से रेस्ट देते जा रहे हैं जिसके वजह से टीम इंडिया T20 में अपना कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पा रही। ये सेम गलती सिलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप 2019 से पहले भी की थी और अब फिर से वो यही गलती कर रहे हैं, जिसके वजह से हो ना हो टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2020 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जो दूसरी बात निकल के आ रही है वो यही निकल के महेंद्र सिंह धोनी को सिलेक्टर्स ने ड्रॉप नहीं किया है, उन्होंने फिर से खुद को अनअवेलेबल कर लिया था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी सीरीज़ नहीं खेलने वाला हूँ। जो तीसरी बात निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि हार्दिक पांड्या का फाइनली कमबैक हो चुका है। आपको बताया हुआ कि वर्ल्ड कप के दौरान उनकी इंजरी हो गई थी, बैक प्रॉब्लम था उन्हें, लेकिन अब वापस वो स्क्वाड में आ चुके हैं। जो फोर्थ और जो आखिरी बात निकल के आ रही है वो यही निकल के आ रही है कि ऋषभ पंत को BCCI ने फर्स्ट और लास्ट विकेट कीपिंग ऑप्शन मान लिया है। मैं लास्ट विकेट कीपिंग ऑप्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही विकेट कीपर टीम में रखा है। आपको पता ही होगा ऋषभ पंत ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, फिर भी BCCI ने फिर से ऋषभ पंत में भरोसा दिखाया है और एज अ विकेट कीपिंग ऑप्शन से उनको ही टीम में रखा है। अब लास्ट में हम लोग बात करने वाले प्रिडिक्शन की। तो मेरे हिसाब से इंडिया ये सीरीज डेफिनेटली जीतने वाली है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये सेम टीम उतरी थी और इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और इस नई टीम का जो कॉम्बिनेशन है पूरे बैठा हुआ है। वही अगर साउथ अफ्रीका की नई स्क्वाड की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपीरियंस प्लेयर है जो शायद तक प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे और उनको भी कॉम्बिनेशन बैठाने में थोड़ा टाइम लग सकता है और इसी के वजह से टीम इंडिया इस सीरीज़ को आसानी से जीत के ले जाएगी। सो विद दिस सेट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको रियल वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से दबा लें। मिलता है आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।